Good morning to all of you. We have to study today last topic of this chapter, that is sustainable development and conservation. You can see sustainable development and conservation. So that question for the examination purpose may be, what do you mean by sustainable development? And why it is essential? Examination point of view से यह question होगा और ये हमें सीखना है कि sustainable development किसे कहते हैं? What do you mean by? Can you say sustainable? Do you know about the meaning of sustaining? It means for leading life, जीवन जीने के लिए हमें कुछ न कुछ रिसोर्स का उपयोग करना ही है. तो सस्टेन का मतलब हाउ टू लीड लाइफ इन ए बेटर वे. तो क्वेश्चन यहाँ मैंने बनाया है जो अक्सर परीक्षा में आपके परीक्षा में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी के साथ टेल क्वेश्चन है व्हाई इट इज एसेंशियल. नाउ आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल एनवायरमेंट. इट मीन्स हमें डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स का यूज तो करना है, हमें रिसोर्स यूज एडी हाउ करना है, लेकिन रिसोर्स यूज करने के क्रम में व्हेनेवर यू आर ड्यू टू इट इज द कॉमन नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग ग्रीडी, लालच, हमें बहुत लालच बढ़ता है, लगता है कि अधिक से अधिक रिसोर्स को यूटिलाइज कर लें और काफी हम हैप्पीली लाइफ लीड, जिसका परिणाम जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम साथ साथ ग्रो करने लगे, जैसे पोल्यूशन. एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉजेस पोल्यूशन. इसलिए कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी प्रकृति के में होने वाले नुकसान को बचाते हुए अगर हम रिसोर्स का एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये तो इट मीन्स वी हैव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टॉक ऑफ नेचर एंड आवर यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी आप डेवलपमेंट कीजिए, अपना विकास कीजिए, और विकास किसके थ्रू है, तो नेचुरल रिसोर्स के यूटिलाइज के थ्रू है. तो रिसोर्स का यूटिलाइज करिए,
लेकिन नेचर का नुकसान कम पहुंचाइए, नहीं पहुंचाइए। सपोज दैट जैसे कि हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, आप देखोगे फॉरेस्ट का एरिया डे टू डे लॉस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है। तो हमें रिसोर्स को जितना हमने फॉरेस्ट कट किया, अगर उस फॉरेस्ट को हम रीप्लांटिंग करते जाएं तो हमारा एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन था व्हाई इट इज एसेंशियल, अनदर टेल क्वेश्चन था, तो आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट is essential due to following reasons। यानी sustainable development जरूरी है क्यों? First point, for maintaining इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें एसेंशियल इसलिए है फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। नंबर टू पॉइंट, फॉर फर्दर फॉर फ्यूचर जनरेशन। दूसरा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है, अगर हम आयरन का यूज कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी फॉर नेक्स्ट जनरेशन वह भी इसको यूज करेगा। तो अगर हम मिनिमम यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से उपयोग करते हैं, तो अधिक से अधिक कमिंग जनरेशन के लिए वह रिसोर्स अवेलेबल होगा, इसलिए हमें यह भी जरूरी है। दूसरा, जैसे देखते होगे तुम्हारे पेरेंट अर्न करते हैं तो कुछ पैसा, कुछ मनी अपने तुम्हारे फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। व्हाट डज इट मीन? दैट इज सेम थिंग फॉर फर्दर जनरेशन। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम resources are limited in its quantity। जितने भी resources हैं, खास करके जितने भी minerals हैं, वह limit ratio में है और उसकी एक क्षमता है, स्टॉक की क्षमता है, स्टोर की। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक दिनों तक इसका उपयोग हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइज, मैक्सिमम रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन इट्स क्वांटिटी। यानी मैक्सिमम रिसोर्स की एक क्षमता, लिमिट क्षमता है, कैपेसिटी है, इसलिए इसको जरूरी है। ये तीन पॉइंट याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन। हमने सीखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, अब ये सीखना है कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन होगा, व्हाट
art, the methods of conservation of resources. ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, और कंजर्वेशन से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हमें ये सीखना है कि कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? डू यू नो मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग समथिंग? नो, कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू से कंजर्वेशन का मतलब बचाओ, उसकी रक्षा करना। सपोज दैट हम रिसोर्स को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, तो अगर उसको नहीं बचाएंगे, उसकी रख रखाव नहीं करेंगे, तो हमारा वह रिसोर्स यूजफुल फॉर फ्यूचर नहीं रहेगा। इसलिए क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन सीखेंगे, और उसके बाद मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन सीखेंगे। तो पहले जानेंगे कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी अब देखो, यहाँ कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि कंजर्वेशन में सस्टेनेबल का मतलब हुआ उचित ढंग से, अच्छे तरीके से, एंड ऑप्टिमम समुचित रूप से। ऑप्टिमम जैसे फर्स्ट डे बताया था कि देखो टेक्नोलॉजी के वहां फॉर 1 लीटर पेट्रोल पहले बाइक में हम यूज करते थे 40 to 60 किलोमीटर, लेकिन आज वही 1 लीटर पेट्रोल 80 to 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या देख रहे हो कि पेट्रोल का क्वांटिटी सेम है, पेट्रोल इज इन सेम क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज बी कवर्ड बाय मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम। यानी जितनी कैपेसिटी उसकी थी उसका भरपूर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और इस तरह हम लोग कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। अब नाउ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस आर। अब देखो ये सीखना है कि हमें कैसे बचाएं। जैसे देखोगे स्कूल में बड़ा वक्त में कहा जाता, सिखाया जाता कि जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना हो तो आप स्विच ऑफ कर देना चाहिए, टैप पानी का टैप बंद करना चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस इज द मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तुम्हें लगता है कि बिजली का बिल तो हम दे नहीं रहे हैं, स्कूल दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हारे पैसे से तुम्हारे कंट्री का रिसोर्स है और तुम इस कंट्री के नागरिक हो, तो इसलिए तुम्हें रिसोर्स को बचाना होगा, तभी तुम्हारे लिए सरकार अदर डेवलपमेंट का काम करेगी, नहीं तो सारा जो हमारा इनकम है सब इसी मेंटेनेंस में रह जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस आर। अब देखो कंजर्वेशन क्या है, यूज ऑफ
use of renewable resources judicially. ज्यूडिशियल जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उसका यूज जो है ज्यूडिशियल यानी न्यायपूर्वक करना चाहिए, संभव हो सके जितना कम से कम करना चाहिए। जैसे वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसका जितना मिनिमाइज यूज करेंगे उतना हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, मिनिमम डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, मिनिमम डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस यानी डेप्लीशन। डेप्लीशन का मतलब होता है ग्रेजुअली लॉ, जैसे वी आर doing cultivation since long long ago periods, हम लोग खेती बहुत पुराने 5000 वर्ष से करते आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने खेती सीखा और आज तक करता है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी का ग्रेजुअली लॉस हो रहा है, उसकी जो इनिशियल कैपेसिटी थी वो अब नहीं है, इसलिए हमें मिनिमम डेप्लेशन, कम से कम उसका डेप्लेशन हो और आउटपुट ज्यादा हो, यह हुआ दूसरा मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। तीसरा मेथड है रीसाइक्लिंग ऑफ सम रिसोर्सेस। रिसाइकलिंग, आप देखते हो तुम्हारे आसपास गली मोहल्ले में रैग पिकर कचरा बीनने वाले आते रहते हैं, व्हाट डज मीन व्हाई दे आर पिकिंग इट। देखो कांच का टुकड़ा, बोतल, लोहे का टुकड़ा, रॉड और प्लास्टिक ये सब ले जाते हैं, व्हाट डज इट मीन, वो दे आर पिकिंग इट and they are selling and resend in the factory and in the factory they are recycled। फिर से दोबारा इससे क्या फायदा आपको हुआ कि हम जो रिसोर्स नेचर से ऑब्टेन करते हैं उसको ना करके हम जो वेस्टेज हो गया था, मिस जो यूजलेस हो गया था उसको रीयूटिलाइज हम लोग। यह भी एक बहुत अच्छा मेथड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसाइकलिंग ऑफ सम रिसोर्सेस। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट वुड बी दैट कंजर्व द वेरियस स्पीसीज, कंजर्व द वेरियस स्पीसीज। देखते हो वी आर सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, हम लोग वन महोत्सव सेलिब्रेट हुआ है, सो दैट एन अफेक्शन शुड बी ग्रो अमंग द सोसाइटी टुवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ, टुवर्ड्स द नेचुरल हेरिटेज, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट कम्युनिटी, सो दैट वट एवर स्पेसीज आर देयर ऑन द अर्थ ही कैन प्रोटेक्ट। जैसे देखो बंगाल रॉयल टाइगर हमारे यहाँ का कल्चरल हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज है और उसकी संख्या अब नहीं के बराबर रह गई, हाँ तो उसको बचाने के लिए हमने और सरकार ने बहुत एफर्ट्स किए और इस तरह हमारा वह फिर रॉयल बंगाल टाइगर अपने पोजीशन में आया। इस तरह जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं
उसको उस स्पीसीज को बचाना आपका ड्यूटी है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेन ऑफ योर इकोसिस्टम एज यू आर. दैट्स वाई वी शुड कंजर्व द रिसोर्सेज इन दीज फोर सब हेडिंग्स. और इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर. अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वारी पूछ सकते हो. तो मैंने इसमें पढ़ाया आपको रिसोर्स का डेफिनेशन, समरी कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन पढ़ाया. दूसरा यूटिलाइजेशन फैक्टर्स पढ़ाया. तीसरा पढ़ाया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. और चौथा और लास्ट पढ़ाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. तो इस तरह ये चार टॉपिक को हमने पढ़ाया और इस चार टॉपिक के थ्रू आपका टॉपिक कंप्लीट होता है. फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग नोट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लेंगे. अगला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिस्ट्री का होगा, मॉडर्न पीरियड. थैंक यू.